छीनने की कोशिश मत करें। क्या बात है, इसे खून क्या सरकार, चलो इसे थाने ले चलो, चलो। सरदार कौन बनेगा? कालू बनेगा सरदार, वो कालू ठीक है। कालू को सरदार बनाओ, कालू को सरदार बनाओ। तो फिर सब पंचों को मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, सरदार मंजूर है। अगर सब पंचों की यही मर्जी है तो यही सही। अबे देख क्या लिया है, इधर आ और कालू सरदार के प्याले में डाल। नया साहब, रानी। हाँ रानी, गंगू सरदार की बेटी रानी। तुम समझते हो बापू जी चला गया तो मैं भी मर गई। याद रखो, मेरे जीते जिस प्यारे को कोई मुंह नहीं लगा सकता। मगर रानी, तू चुप रह और सुन कालू, मैं अगर कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शर्म दिखा दे। बापू जेल ही तो गया है, कोई मर तो नहीं गया। पंचों के फैसले पर उसकी मंजूरी लेनी जरूरी। रानी ठीक कह रहे हैं कालू, ठीक कह रहे। पीले पीले जनिया उसका पीले। मेरी रानी ऐसे तो न तरसाओ, दूध नहीं दोगी तो भूखा ही मर जाऊंगा ईमान कसम। फिर वो ही नखरे। कौन रानी? हाँ रानी, गंगू सरदार रानी। जन्नी
मैं तो डर ही गया। सुन जबरू, तुम बड़ा गलत करे। अरे डरे है तो फिर मरे क्यों उससे? खाद डाल रानी थी। इधर देख, कोई कमी है मेरे अंदर? अरे पगली, प्यार करने वालों से प्यार करे है, बेड़ा गरक करेगी अपना। मजाक ना कर जबरू। तू दिल छोटा मत कर, उम्मीद से दुनिया कायम है। तू मुझसे प्यार किएगा, मैं रानी से प्यार किएगा, बस ये चक्कर इसी तरह चलने दे। का समझी? ये प्यार की सोना कहाँ की शराबत है? हमारी बस्ती में शराबत का क्या काम जनिया? हम बंजारे हैं बंजारे, हमारे तो बाप दादा ने कभी शराबत का मुंह नहीं देखा। शराफत होती है माहौल, अधीम और तरबियत। जी नहीं, शराफत का तालीम और तरबियत तो माहौल से कोई ताल्लुक नहीं। शराफत होती है खून से, नस्ल से, खानदान से। क्या समझे गधा कहीं का? अब बताइए, इन गधों को आप तालीम दिलाकर शरीफ आदमी बनाना चाहते हैं? इसीलिए ताकि ये गधे न रहे। जी नहीं, इन लोगों पर आपकी तालीम वालीम का कोई असर नहीं हो सकता। याद रखिए, चट्टानों पर बीज डालने से खेत नहीं उगा करते। जी, मगर चट्टानों के जिगर चीर कर हीरे जरूर हासिल किए जाते हैं। और हमारे मुल्क के गरीबों में जो हीरे छुपे हुए हैं, काश कोई उन्हें दरियाफ्त कर सकता। तो आप ही दरियाफ्त फरमा लीजिए ना। ए मिस्टर, जरा यहाँ से ये चाबी आपने किस खुशी में छुपाई? यकीनन मेरी ही कार की होगी। जी जी, वो बात ये है, मेरी गाड़ी है ना, वो खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं? अपनी गाड़ी को इस हालत पर पहुंचाने वाले तुम खुद हो। अब चाहते हो कि मेरी गाड़ी भी खराब कर दो? जी मैं एहतियात से चलाऊंगा बजान। जी नहीं, आप अपनी ही गाड़ी एहतियात से चलाइए। क्या क्या समझे? लाइए चाबी। जैसे आपकी मर्जी, वैसे मैं एहतियात से बहुत चलाता। सुना चाहे तुम्हारा बटुआ। शुक्रिया, बहुत शरीफ। जी हाँ, और बेहद सादतमंद भी। जी उधर उधर एक मुर्गा फंसा है। मुर्गा माँ कसम बड़ी आसामी दिख रहे। मोटर में आया, मोटर में। तो ये बात है। फिर जल्दी करो, अगर वो चला गया तो। अरे तू फिक्र मत कर। ये बताओ, बूढ़ा है ये जवान? जवान है जवान, गबरू जवान। होई 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 होई, बस तू शुरू हो जा। यार यार जानी, ये दश्त है ठगों का रे, बस एक निगाह चूकी और माल दोस्तों का रे। Thank you.
बहुत अच्छा नाचती, ऐसा लगता है आसमान से कोई अप्सरा उतर आया। हाँ, तुम्हारा इनाम जी, मेरा बटुआ, शायद कहीं भूल आया। कोई बात नहीं, बाप का फेरा लगे तो फिर दे देना। अच्छा, माँ कसम रानी, तेरा भी जवाब नहीं है, कार्ड भी लिया और विषय पता भी नहीं चला। रकम बांट दे पंचों को। ये रकम मेरी, पंचों का इससे कोई नाता नहीं। तुम्हारा बटुआ। माँ कसम रानी, तू चक्के तो दे, बिल्कुल तेरे जैसा बिठा। अरे जरा सा तो चख ले ना। जब मैंने एक दफा कह दिया मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ये पसंद नहीं। तुझे तो मेरी लाई भी कोई चीज पसंद ही ना आ गई, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। कामत तू, तेरा दिमाग फिर खराब होने लगा है, चल जा अपने डेरे में। तुम्हें भी कालू को आवाज देती हूँ। कालू बाबा, जाता हूँ, खपा काय को होती है। मगर एक बार फिर सोच ले कि अगर तूने हाँ कर दी तो माँ कसम सचमुच की राजी बना दूंगा। मगर तुम मेरे डेरे में क्यों आई हो थी? ये बताने की जरूरत, तू नहीं जानती। मुझे क्या पता? तुझे क्या पता, तू तो बहुत भोली है, एकदम नादान। मगर सुन, तुमने कहा था ना फुर से ना दिल उड़ जाए, तो मेरी यहाँ से इसकी फुर से उड़ गई। अकेली बंजारन को देख के मजाक करते? मजाक नहीं सच, मैं अपना बटुआ वापस लेने आया। बटुआ?
कौन सा बटुआ? वही जो थोड़ी देर पहले तूने यहाँ से फुर किया था। हमका चोर है रे। तुझे चोर कौन कह सकता है रे? तू तो निहायत ही शरीफ लड़की, बिल्कुल मासूम, भोली भाली, सीधी साधी, ये सहमी हुई आंखें, ये बड़ी बड़ी पलकें, शरस भरे होंठ। बटुआ कहाँ है? बटुआ मैं कहाँ पता? बताती हूँ या काट दूंगा? तू मुझे नहीं मार सकता। क्यों? इसलिए तेरी इन आंखों में मैं हूँ। मैं झूठे कहने की तेरे खुद बनाती है। तेजी तरह बटुआ निकाल और मैं लोगों के आने से पहले देती हूँ। बाबा देती हूँ। जरा से बटुए के लिए मरा जा रही कंजूस थी। बड़ा बाबू बना फिर। तूने बटुआ चुराया तो कई बात है, मैंने वापस मांगा तो। अरे हमें तो चोरी करनी पड़ती है ना, चोरी ना करे तो खाए कहाँ। क्यों? चोरी के बगैर खाने को नहीं मिलता। मिलता था तो बाबू जेल में नहीं गया था ना, तो चोरी के बिना खाना मिलता था। तो अगर तुझे खाने को मिल जाया करे तो तू चोरी करना छोड़ देगी? कौन सी बात है? अगर सबको खाना मिल जाए तो चोरी का ही तो कुछ बोल। बात तो ठीक है। बात तो ठीक है, मगर एक औरत ने तो हरा दिया कालू। नहीं, कालू को हराना इतना आसान नहीं। ये कौन जा रहा है रानी के पास से? कौन है? कोई नहीं है, धोखा हुआ है। नहीं उस्ताद, रानी के डेरे से कोई निकला था, मैंने खुद देखा है उसे। तो देखो गाड़ी। तो ये हो रहा है डेरे में। अब देखूंगा बच्चा कहाँ जाएगी मेरे हाथ से। लगी कहते हुए लाज लगे, घुमंड घुमंड मन की नदी चोर।
लगी कहते हुए लाज लगे रे, उमंड घुमंड मन की नदी जोर करे रे। हाय मुझे दिल की लगी ओए होए होए, हाय मुझे दिल की लगी कहते हुए लाज लगे रे। बाबू ने तेरे गले में छुरी रख दी तो अच्छा लगा था तुझे। अरे देख क्या रही है, तेरा ख्याल था कि ये बातें छुपी रहेंगी, इसी पर सरदारी करने चली थी। अब पंचों को बता दीजिए कि वो बटवा कहाँ है। ये है वो बटवा जो उसने मुझे वापस कर दिया। वो बहुत अच्छी और समझदार लड़की मालूम होती है चचाजान, बेचारी गलत माहौल में फंस गई। तुम्हारा मतलब है तालीम और तरबियत दी जाए तो वो एक अच्छी लड़की बन सकती है। जी हाँ बिल्कुल, उसी तरह जिस तरह आपकी जवानी के दिनों में वो मालन की गमार डोगरी एक अच्छी लड़की बन सकती थी। लेकिन अब उसका क्या जिक्र है भाई साहब? उसका जिक्र इसलिए है कि अब भी आपके वही ख्याल आते, अब भी आप उन नीच और कमीन लोगों को तालीम और तरबियत और न जाने क्या क्या दिलवाना चाहते। आप इन बातों का असर इन साहबजादे पर भी पड़ रहा है, और ये भी एक खाना बदोश डाकू की लड़की में शराफत के आसार ढूंढ रहे। लेकिन जो वाकया शाहिद को पेश आया है उससे तो यही साबित होता है कि उसमें एक शरीफ लड़की बनने के इम्कान है। जी शरीफ बनने के इम्कान? क्या मतलब? क्या शराफत की भी कोई फैक्ट्री होती है जहाँ लोग शरीफ या कमीन बनाए जाते? जी भाई साहब, हमारा माहौल ही वो फैक्ट्री है जहाँ लोग शरीफ या कमीन बनाए जाते हैं। तो फिर सब लोग शरीफ ही क्यों नहीं हो जाते? जी इसलिए कि सबके पास खाने को रोटी और तन धाम में कपड़ा नहीं है, बच्चों की तालीम के लिए पैसा नहीं है। जबानी जमा खर्च में तो जवाब नहीं है आपका। सुनिए जरा किसी कमीने को लगे हाथों तालीम दिलाकर शरीफ तो बना दीजिए। अगर कभी मौका मिला तो मैं ये भी साबित कर दूंगा। आप साबित करेंगे? आप? जिस दिन आपने ये बात साबित कर दी उस दिन मैं आपको पूरे 1,00,000 रुपए दूंगा, पूरा 1,00,000। जी ये रुपए का सवाल नहीं है भाइयों, ये सवाल है बेटे की इज्जत का। क्या ऐसी औरत कबीले की सरदार बन सकती है जो किसी गैरमर्द से हाथ लड़ाए? जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं? जरूर बेटे, डेरे का हर आदमी गुस्से में हैरानी, उस कालू के बच्चे ने आग लगा दी है। अगर पंचों को जवाब ना मिला तो बात है, मैं जवाब देती हूँ। वो क्या जवाब देगी? उसके पास कोई जवाब नहीं। अब रानी हमारी सरदार नहीं रह सकती, रानी अब डेरे में नहीं रह सकती। यही तो मैं कह रही हूँ भाइयों, पूछो उससे वो कौन है जो रातों को छुप छुप कर उसके डेरे में आता है। वो कौन है
जिसके लिए सारे डेरे की इज्जत दो कौड़ी की कर दी है। ये झूठ है भाइयों। ये झूठ बोल दिया कालू, झूठ बोल दिया रानी, हर चीज ऐसी नहीं है। मैं झूठ बोल दिया हूं भाइयों। अगर तुम्हारा भी यही ख्याल है तो रानी को बुलाकर खुद उससे पूछ लो। रानी को बाहर बुलाओ। अगर तू सच्चा है तो रानी को बाहर निकाल। रानी को बाहर निकाल। कालू कह रहे हैं तू किसी गैर मरद से छुपके मिला कर। ये झूठ है ना रानी? क्या ये सच है रानी? ये अब तक तो सच नहीं है, मगर अब मैं जरूर मिलूंगी जिससे मेरा जीत जाए। कालू कौन है मेरे मामले में दखल देने वाला? सुन लिया भाइयों, ये अपनी सरदारी के लिए झूठ बोल रही था। जवाब दे कालू, रानी क्या कह रही है? जवाब क्या देगा? मगर मैंने और कालू ने खुद जाते देखा है इसे। हाँ, तू हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती, हमने खुद देखा है। होंगे जा, सरदार का प्याला लिया। रानी, सरदारी के इस प्याले को हाथ लगाकर कसम खा और बोल, कल रात तेरे डेरे में कौन था? बोलती क्यों नहीं, कौन था तेरे पास? जबरू। मगर हाँ भाइयों, कल मैं था रानी के पास। अच्छा, तो वो बटुआ कहाँ है जो कल तूने पार किया था? वो हाँ, कहाँ है वो बटुआ? निकाल अगर तेरे पास है, दिखा दे पंचों को। हाँ वो मेरे पास है, डेरे में रखा है। जा ले आ डेरे। और अगर रानी बटुआ ले आई तो? और अगर न ला सकी तो? हम रानी
ड्राइवर से कह के गाड़ी गैराज में रखवा देना। बहुत धन्यवाद साहब। सरदार को क्या जवाब दोगे? बोलो रानी गाड़ी के नहीं था। अरे कह दिया, वो गाड़ी में बैठ कर चली गई। तू चुप रह गालू, सब समझ गया हूँ। माँ कसम ये सब तेरा ही लग रहा है। मैं सवेरे जाकर सब कुछ सरदार को बता दूंगा। यार आती फिरे बात हमसे करे, हमारी लौंडिया ऐसा करे तो खुद का जिंदा काट। ये झूठ है, मेरी ना हो सकती। कौन कह सकता है कि वो ऐसी रही? मुमकिन है कि वो कोई चोर, कोई आवारा। नहीं भाईजान, वो कोई मुसीबत ज्यादा मालूम होती है जी। लेकिन इस तरह किसी लड़की को घर में रखना ठीक नहीं होता शौकत। मैंने सब मालूम कर दिया है, बाप के अलावा उसका कोई नहीं और वो भी जेल में है। अगर आपको इतराज है तो सुबह से वापस भेज देंगे, लेकिन इस वक्त रात को जरा आप गौर तो कीजिए, आखिर वो गरीब इतनी रात के कहां जाए। अच्छी बात है, मगर सुबह होते ही से वापस से जा देना जी। आज रात तुम यही रहोगी, कल नौकरों की तरफ का कमरा खाली हो जाएगा। ओए ओए ओए, यहां पर में से निकाल कर देता हूँ। खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश न करना, मैं कंगू सरदार की बेटी हूँ, मेरा वार कभी खाल नहीं जाता। निकाल रुपए, निकाल लिया। तू यहाँ छोड़ दे मुझे।
छोड़ दे मुझे। इतना दम खम हूँ ये क्या हंगामा मचा रखा है जी? ये सब क्या है जी? कुछ नहीं है बजा वो। मैं बताता हूँ भाईजान, ये लड़की मुझे खंजर दिखाकर मुझसे रुपया मांग रही थी। क्या मतलब? तुम्हें धमकी देकर रुपया मांग रही थी? जी हाँ। तो हमारी बात कितनी जल्दी सच्ची साबित हो गई जी? तुम्हारा मुंह कैसा कह रही? जाओ पुलिस को बुलाओ। हाँ जल्दी बुलाओ जी। खैर साहब, ये मेरा मामला है भाईजान। इस लड़की ने मुझ पर हमला किया, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे इससे भी सख्त सजा देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस हाथ ने मुझ पर खंजर उठाने की जरूरत की है वो कभी खंजर उठाने के काबिल ना रहे। ये वही लड़की है चचाजान जिसने मेरा बटवा वापस कर दिया था। ये वही लड़की है, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं कि इसे चोरी की सजा जरूर मिलेगी और ये सजा मैं इसे खुद दूंगा। आइए भाईजान, मैं आपको बताता हूं। शाहिद, इस पर जरा नजर रखना। तू मेरे घर आया था ना, तो मैंने तेरा बटुआ तुझे वापस कर दिया था। अब तू मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। क्या मतलब? जिस लड़की ने तुम पर खंजर से हमला किया, तुम उसे अपने घर में रखकर पढ़ाना लिखाना चाहते हो? जी हाँ, यही मेरा मतलब है। मगर वो एक मुजरिम है और मुजरिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुजरिम की सबसे बड़ी सजा ये है कि उससे उसकी गुज़श्ता जिंदगी छीन ली जाए, उसे ऐसा बना दिया जाए कि वो आइंदा कभी जुर्म न कर सके। बिल्कुल बकवास, ये नीच लोग कभी नहीं बदल सकते। और ये लड़की जो अपने मोहसिन के सीने पर खंजर लेकर खड़ी हो गई थी, जिसका बाप खुद उसके कौल के मुताबिक जेल में है, कभी ठीक नहीं हो सकती। इसका फैसला वक्त करेगा भाई साहब। मेरा ये ख्याल है कि तालीम और तरबियत और माहौल से हर इंसान की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। फिर वही तालीम जी? बस सुन लो, मैं तुम्हें इस काम की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। ये मेरा फैसला है जी। आप ये भूल रहे हैं भाईजान कि आपने मुझसे एक शर्त लगाई थी और अब उसे साबित करने का वक्त आ गया है। तो आप ये तो आपका ख्याल है कि मैं रुपए की वजह से मना कर रहा हूं? जी नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं है। तुम्हारा ये मतलब हो या ना हो, लेकिन नवाब हशमत अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो रुपए के लिए अपनी बात से फिर गया। मगर आप मेरी बात बस फैसला हो गया। तुम उस लड़की को यहां रखो, तालीम दो, तरबियत दो, जो चाहे करो, और जब तुम समझो कि वो ठीक हो गई है तो उसे मेरे पास भी आना। मैं तुम्हारी हर बात गलत साबित कर दूंगा। जाओ कह दो उस लड़की से। मगर अब मैं क्या करूं? बोलो। तो ये सारी मुसीबत तुम्हें मेरी वजह से आई। मैं तुम्हें बटुआ न देती तो। मगर वो चचा जान, मुझे इस बार छोड़ दो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। वादा करती हूँ? मैं बुरी जरूर हूँ मगर झूठी नहीं। मैं गंगू सरदार की बेटी हूँ नवाब, कभी झूठ नहीं बोलती। मैं वादा करती हूँ कि इस बार मुझे जाने दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो कहाँ जाओ? कहाँ जाऊंगी? मैं डेरे चली जाऊंगी। डेरे? लेकिन वहां तो सब तुम्हारे दुश्मन है। तो कहीं और चली जाऊंगी, बापू के पास। मगर तेरा बाप तो जेल में है। हाँ, बापू तो जेल में है। मैं पता नहीं कहीं और चली जाऊंगी। ये बता लड़की, अगर तेरे खाने पीने और रहने सहने का इंतजाम कर दिया जाए फिर तो चोरी नहीं करेगी? अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? रानी। रानी, आज से हम तुम्हें अजरा कहेंगे, अजरा बानो बेगम। आज से तेरा यही नाम। अजरा, तुम्हें एक अच्छी और शरीफ लड़की बनने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी।
मैं अच्छी लड़की बनूंगी, मैं जरूर अच्छी लड़की बनूंगी, मैं अच्छी लड़की बनूंगी, मैं वादा करती हूँ। जया माँ कसम नशा आ गया। हुसन के कारण एक दिन हो जाई है तकरार, खून की नदी बह जाई है रे जनिया, खून की नदी बह जाई है और चल जाई है तलवार रे जनिया। तोरे हुसन के कारण एक दिन, तोरे हुसन के कारण एक दिन हो जाई है, हो जाई है तकरार, खून की नदी बह जाई है और चल जाई है तलवार रे जनिया, हो जाई है, हो जाई है तकरार रे जनिया, हो जनिया। जनिया फिर कजरे की धार, जैसे सर्राबी खंजर लेके, जैसे सर्राबी खंजर लेके निकले बीच बाजार रे जनिया, हो जाई है, हो जाई है तकरार रे जनिया, हो जनिया। कर खा के गिरियो नाही, हसीये सब संसार रे जनिया, हो जाई है, हो जाई है तकरार रे जनिया, हो जनिया। सोचे मेरी, सोचे मेरी।
जाई है, हो जाई है तकरार, हो जाई है, हो जाई है। की तरह मुँह लटकाए बैठा रहे, मेरी तो नाचते नाचते टांगे टूट गई, और तुझसे ये भी ना हुआ कि जरा देख ले। मुझे जो बेभकत की रागनी अच्छी ना लागे जन्म, सरदार जेल में है, रानी ना जाने किधर गायब हो गई, और तुम सबको नाच गाने से फुर्सत नहीं। रानी रानी हर वक्त रानी का ही दुखड़ा रोवे है, कभी हमारी भी खबर लिया कर जानी। मेरा कोई कसूर नहीं है सरदार, ये सब कालू ने, उसी ने डेरे को बहकाया था। कालू ने किया या किसी और ने, मगर अब रानी जाके कहते सबसे, अगर मेरी रानी को कुछ हो गया मैं डेरे को आग लगा दूंगा, एक एक को कोच लगा दूंगा। जाओ मेरी रानी को ढूंढ के लाओ, जाओ जाओ। मेरी रानी किस हाल में होगी? ये है तुम्हारे मास्टर मुंशी अजीमुद्दीन मिर्जा। है क्या मतलब हुआ, ये टुन क्या है मुंशी? ये मेरा तखल्लुस है शौकत नवाब, जब आपका खादिम अंग्रेजी में शेर कहता है तो मिल्टन के नाम से कहता है। अच्छा तो मुंशी अजीमुद्दीन मिल्टन साहब, आज से आप अजरा बेटी को पढ़ाएंगे। अजरा बेटी? हाँ इन्हें। ये बरखुरदारी अजरा बेटी, इन्हें पढ़ाना है मुझे। हाँ हाँ इन्हें पढ़ाना है आपको। हुई ना बात, आपका हुक्म है तो जरूर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। और ये है तुम्हारी गवर्नेस मैडम पिंटो, मैडम पिंटो। बादाम हुई ना बात, हाउ डू यू बरखुरदारी बादाम। बैठिए बैठिए बैठिए। वेल तुम स्मार्ट लड़की है, हम तुमको उठना बैठना खाना पीना सब सिखाएगा, मगर तुमको हमारा बात मानना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, कल तो ठीक है। पर जो सरदार ने कहा मैंने सुना दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। तूने सरदार को जे क्यों नहीं बताया कि उसकी लौंडिया गैर मर्दों से मिलती थी? अब खोज कहाँ लगेगा रानी का, वो तो गाड़ी में बैठकर दूसरे शहर चली गई, अब उसका खोज लगाना बड़ा टेढ़ा काम है भैया। कोई टेढ़ा काम नहीं, बिल्कुल आसान, बस चल के आओ तुम। ऐसा नहीं, ऐसा छोकरी लोग चलता, बेगम लोग ऐसा नहीं चलता। Thank you.
मुंशी के पास जाओ, तुम्हारा लिखने का टाइम होने को सकता। पहले खाना खा ले। ओ नो नो नो, ऐसा नहीं, हम तुमको छुरी काटे से खाना सिखलाएगा, मगर इस तरह मुझसे नहीं खाया जाता। कोशिश करो, कोशिश करो। दो दिन से तो कोशिश कर रही हूं मगर। मालूम होता है कि किचन में है, आइए देखें। कौन है, कौन है अंदर? ठहरी, मैं लाइट जलाता हूं। अजरा तुम? यहां कैसे खड़ी हो? बोलो क्या कर रही हो इस कमरे में? कुछ चुराना चाहती थी? हाथ में क्या है दिखाओ, जा दिखाओ। तुमने खाना नहीं खाया? मुझसे छुरी कांटे से नहीं खाया जाता मैडम, कैसी इसी तरह खाना पड़ेगा? अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी, रोटी भी नहीं चुराऊंगी मैं। कोई बात नहीं बेटी, ये चोरी नहीं, तुम्हारा अपना घर है, रोटी लेने को चोरी नहीं कहते। मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो तो मुझे माफ कर देना। अजरा को फ्रिज में से कुछ चीज निकाल के खिला देना।
लो ये भी खाओ, बड़े मजे के हैं। बस खा चुके। खा लो शाबाश, नहीं तो फिर चोरी करनी पड़ेगी। चोर कहेंगे। तुम भी तो चोर हो। मैं चोर कैसे हूँ? बस वो तो बस चल दिया। ए कहाँ चले? अपने कमरे में। और दिन भर कहाँ थे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वो क्या होती है? अरे यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी जिस तरह ये घर है ना, वो भी एक बड़ा सा घर होता है। और जैसे तुम यहाँ पढ़ती हो ऐसे हो। ओए होए होए होए, तो तुम क्या पढ़ते हो? अरे इतनी कौन सी बात? इसी कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम भी मेरी तरह हो। कहो ए बरखुदारी, कहो भाई ए से एप्पल। हुई ना बात तो छोटे नवाब को देख रही हूँ बरखुदारी। ए बरखुदारी इधर देखो किताब की तरह। देख लिया फिर? अब कहो ए से एप्पल। ए से एप्पल। एप्पल माने? एप्पल मैंने माने एप्पल मैंने एप्पल एप्पल मैंने माते याद नहीं रहा। एप्पल माने सेब, कल ही तो तुमको पढ़ाया था ना। एप्पल मैंने सेब। ओए होए 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 होए, वो सेब तो खाते हैं। हाँ हाँ वही सेब। मास्टर जी मैं सेब खाऊंगी? नहीं बरखुदारी तुम सेब नहीं खाओगी, तुम सिर्फ पढ़ोगी। नहीं मास्टर जी मैंने कह दी मैं सेब खाऊंगी खाऊंगी जरूर खाऊंगी। नहीं तुम सिर्फ पढ़ोगी। ए एप्पल एप्पल मैंने मैं सेब खाऊंगी। नहीं तुम सिर्फ पढ़ोगी। अरे अरे मुंशी जी अगर अजरा को भूख लगी हुई है तो फिर पढ़ा लीजिएगा, पहले उसे खाना खाने दीजिए। जाओ अजरा पहले खाना खा लो फिर पढ़ लेना। मैंने कहा बरखुदारी बादाम तुम तो इधर आओ। क्या है? हम तुम कुछ आपस ही में न लिख पाएंगे। तुम तो एकदम एप्पल है। हाँ, हुई ना बात। ए, सेब खाओगे? छोड़ो ये पढ़ना बना सेब खाओ। कितना लवली जोड़ा है। हुई ना बात। हमारा जोड़ा इससे भी ज्यादा लवली है। बात कुछ नहीं कुछ नहीं, हम तो अंग्रेजी में शेर बोलता था। अंग्रेजी में शेर? यस yes. तुम्हारा ये खादिम अंग्रेजी का पॉइंट है मुंशी अजीमुद्दीन मिल्टन। अर्ज किया है रैट होता है कैट होती है, रैट से कैट फैट होती है। वेल तुम इसको पोएट्री बोलता? हुई ना बात, यही तो पोएट्री है। वंडरफुल पोएट्री, ब्यूटीफुल। है? अरे बरखुदारी, ए बरखुदारी मैडम अभी सुनो तो, यानी चली गई। मुझे पढ़ाओगे? पढ़ाओ ना, कब पढ़ाओगे? ए से एप्पल, एप्पल मैंने सेब। बी से बेबी, ए बेबी। बता बेबी मैंने क्या? देखो जी मैं तुम्हारा शागिर्द नहीं हूँ कि तुम्हें मतलब बता सकूँ। ओए होए होए होए, तो फिर कौन हो तुम? मैं तो तुम्हारा मास्टर हूँ मास्टर। मास्टर तो मास्टर जी मुझे छबक पिला दो। मास्टर जी मुझे छबक पिला दो, मास्टर जी समझा दो, मास्टर जी मुझे छबक पिला दो।
एज जान लिया पला दो एक रानी एक राजा उन पत का अरमान दिखा अरमान दिखा रानी डरती थी बेचारी राजा कुछ अनजान दिखा अनजान दिखा सबक पला दो नींद किसी की आंखों से जब 9-2-11 हो जाए जी हो जाए टन 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 यानी कि छुट्टी अब स्कूल कल लगेगा चलो घूमने चलते वापसी पर और किताबें खरीद लेंगे वो दो पहिए की औलाद देख के न चला जावे तो से एक तरफ चलो सड़क पर क्यों चलते हो फुटपाथ पर चलो भाई अबे तू कौन है मैं कहने वाला हम जहाँ चाहेंगे वहां चलेंगे जो मैं होंगे और क्या ठीक तो कह दे कालू सरदार जबरू वो देख रानी देखिए तो सचमुच रानी जी मगर रानी ओ रानी
जब मैंने और कालू सरदार ने कहा था तो यकीन नहीं आ रहा था बच्ची को। अब बोल। तो रानी का खोज लगाना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं कि आखिर तुम्हें और शाहिद को हो क्या गया है? न गांव की फिक्र, न जायदाद का ख्याल। वो है कि उस लड़की को दिन भर तालीम देने की फिक्र में है और आप उसकी तस्वीरें बनाने में मसरूफ है। जी बस थोड़े दिनों की बात है भाई साहब, वो लड़की खुद इस काबिल हो जाएगी कि। क्या मतलब? क्या वो इस काबिल हो गई है कि कुछ दिनों के बाद? जी हाँ, जिस तेजी से वो तब। बिल्कुल बकवास। जी क्या फरमाया आपने? बताइए क्या ये ठीक है मुंशी जी? हाँ हाँ बताइए ना मुंशी जी, क्या वो पढ़ लिख कर शरीफ नहीं बन गई? हुई ना बात? बिल्कुल बन गई। वो तो क्या, अगर आप चाहें तो उसका बाप शरीफ, उसका दादा शरीफ। क्या मतलब? एक खाना बदोश चोर की बेटी शरीफ बन सकती है क्या? यही सर्जित नहीं हो सकता। यानी कि बिल्कुल सही फरमाया बंदा पर वो हरगिज शरीफ है। ये कैसे हो सकता है? वो चोर, उसका बाप चोर, उसका दादा चोर। जी सुन लिया आपने? अगर अब आपको फुर्सत हो तो गांव चलने के लिए तैयारी कर लीजिए। आखिर गांव और जायदाद की देखभाल कौन करेगा? जी जी हाँ भाई साहब, आइए चलिए। सुनो क्या, इतने दिनों में जेरी खोज लगाया है तुमने। मगर सरदार, डेरे वाले कहते थे रानी बाहर चली गई। मगर अब तो पता चल गया तुमको। जाओ जितनी जल्दी हो सके रानी और बाबू को ढूंढ निकालो। बहुत अच्छा सरदार। और सुन, डेरे वालों से कह दीजो देर लगाई तो अच्छा नहीं हो। होय होय, इतना गुस्सा? अरे इसमें नहीं बाबा, इसमें लिखा है मैंने मजमून। ये क्या लिखा है? ये है मेहरबानी। ये मेहरबानी है? मेहरबानी होती है छोटी है जैसा, ये तो बड़ी है हलवे वाली। गलती हो गई, आप ठीक लिखोगे। अब कैसे लिखोगी? अब छोटी है मेहरबानी। ये तो कुछ ज्यादा ही मेहरबानी हो गई। कहीं दिल पे न जादू कर जाए, अरे तौबा तेरी काली काली जुल्फों की, तेरी काली काली जुल्फों ये छेड़ खानी, अरे तौबा कहीं दिल पे न जादू कर जाए। हो ये चाल है किसके लिए कहो, जुल्फों में हजारों बल डाल ये जाल है किसके लिए कहो, ये किसको मिटाने पर है तुली तेरी शोख जवानी, अरे तौबा तेरी काली काली जुल्फों की, तेरी काली काली जुल्फों की ये छेड़खानी, अरे दवा कहीं दिल पे न जादू कर जाए। जल्दी
झुका लेती हो तुम क्यों बार बार इस आंचल को दांतों में दबा लेती हो तुम छुपती है छुपाने से बिकल पति की निशानर तो अरे तौबा तेरी काली काली जुल्फों की तेरी काली काली जुल्फों की ये छेड़खानी अरे तौबा कहीं दिल पे न जादू मर जाए सारे वो सूरत भोली भाली है ये होंठ है या है पैमाने ये आंख बड़ी मतवाली है हम दिल की बात समझते हैं आंखों की जबानी अरे तौबा तेरी काली काली जुल्फों की तेरी काली काली जुल्फों की ये छेड़खानी अरे तौबा दिल पे न जादू कर जाए बोल कालू कहाँ सलाह है तेरी अब सलाह का है जब सरदार का हो तो मानना ही पड़ेगा मगर मंगंडा कैसे जाएगा रानी को सुनो भाइयों सरदार का जे हुक्म है तो जे ही सही छोड़ तू जबरू बोंगा छब्बन और दूसरी छोरियां कल से नाच रंग का भांग रचाकर शहर में घूम जाओ रानी या वो नवाब का लंबा जहां नजर आए बस पकड़ लो और ले आ जा समझे अबे एक प्याला दे अभी ले सरदार आपको मैडम पिंटू ने बताया और क्या अच्छा मैडम पिंटू ने आपको ये नहीं बताया कि खाकसार हुजूर से मोहब्बत फरमाने लगा सच बिल्कुल मुझे ये तो नहीं बताया मगर हाँ एक बात उसने मुझे सब बताई वो क्या बताई यही कि आदमी को अपनी हैसियत नहीं भूलना अचानक तुम्हें क्या हो गया मैं खाना बदोश लड़की एक गरीब बंजारे की बेटी जिसकी सारी उम्र चोरियां करते और डाके डालते हुए गुजरी है और आप तो नवाब है ना इतने बड़े बंगले के मालिक तो इससे क्या होता है इससे सब कुछ होता है छोटे नवाब आप नहीं जानते इसी से सब कुछ होता है मैं सब कुछ जानता हूँ तू फिक्र मत कर तू अच्छी है या बुरी जो कुछ भी है मेरी सिर्फ मेरी इस नगरी में सौ धोखे हैं देख के चली ओ रानी हो कदम कदम पे जाल बिछे हैं ना करियो नादानी हाय लचक कमरिया मोरी लचक कमरिया मोरी मैं नाजुक छोरी के हाय हाय मुझसे चला ना जाए मुझसे चला ना जाए बचले मस्त जवानी करे म
मन माने के हाय हाय मुझसे रहा ना जाए रे, मुझसे रहा ना जाए। सोचिए, हम बोला इधर कोई रानी मानी नहीं रहते, इधर नवाब साहब रहते हैं, बड़ा नवाब साहब, छोटे नवाब साहब और छोटे नवाब साहब। वो जो छोटे नवाब साहब है वो भी तुमसे तकड़े, हम बोलता जहां भी रहते। ले आया रानी को, जा अपने सरदार गंगू से बता दे कि अब उसकी लड़की अपने कबीले वालों को नहीं पहचानती और उसकी बेटी के ससुराल वाले उसके कबीले वालों को धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। तो अब शहर वालों की चेन मत हो गई है, हमारी लोंडिया को उठा ले जाएं और हमें धक्के देकर निकाल दें। कौन नवाब का बच्चा है? वो पहली हवेली में रहता है, बड़ी हवेली में रहता है सरदार। ए, शोर क्यों मचाता है? आस्ता बोल। तू जा, खुद देख लूंगा उस नवाब के बच्चे को। ये
बदकारी के लिए मेरी बेटी को देर से निकाल दिया। ये बात नहीं थी सरदार, ये बात नहीं थी, बात बहुत देरी थी सरदार। बैतरानियों को एक नवाब के लौंडे ने फांस लिया, वो महलों में आप देखने लगी सरदार। तुम पंचों से पूछो सरदार, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो कमरा है सरदार, वहां रह बहरानी। बहुत खुश है आज तो वापस आ गया है ना। बापू मुझे तो 4 साल की सजा हुई थी ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? जेल तोड़कर। क्या? हाँ, जेल तोड़कर। मगर ताकि मैं तुझे इस घर से वापस ले जा सकूं। वाले मेरे मुंह पे थूक रहे हैं, वो कहते तू नवाब लंबे के साथ भाग गई है। झूठ बोलते हैं बापू, उन्होंने मुझे खुद निकाल दिया। अगर नवाब से मुझे न बचाते तो मुझे जान से मार डालते। मगर क्यों, ये भी कभी सोचा तूने? उस कालू के बच्चे ने उन्हें झूठ मुझ बहका दिया था, वो खुद सरदार बनना चाहता था बापू। तू यहाँ बैठ कर मेरी सरदारी की हिफाजत कर रही है। अच्छी बात है, उसे भी देख लूंगा। सामने सब फैसला हो जाएगा, चल मेरे साथ। मगर बापू सोच क्या रही है, चल जल्दी से। मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती बापू। क्या? उन डेरे वालों ने मुझे बेइज्जत करके निकाला था, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तेरी इज्जत मुझसे ज्यादा है, चल जब मैं कह रहा हूँ। नहीं बापू, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अब मैं चोरी से करके अपना पेट नहीं भरूं। इसका मतलब ये है कि कालू ठीक ही ठहर गया था, तू अब महलों में रहने के ख्वाब देखने लगी है। सुन, अब चोरी करता है, ज्यादा चोरी करता है, नहीं करना होगा। नहीं, मैं अब हरगिज चोरी नहीं करूंगी। मैंने नवाब साहब से वादा किया है। तूने नवाब से वादा किया तो तुझे इसी क्या चोरी करना होगी। सुन, कल रात 12 बजे सारी चीज तैयार रखना, लंबा हाथ मार के इस शहर को छोड़ देंगे हम लोग। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या करेगी तू? मैं जहर खा लूंगी, जान दे दूंगी, मगर इस घर में हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। जान दे देगी जो चाहे कर, लेकिन कल सब चीज तैयार मिलनी चाहिए, समझ गई? अगर तुम कल आए तो मैं नवाब साहब से कह दूंगी, मैं पुलिस को बता दूंगी। अपने बाप के खिलाफ पुलिस में इत्तला देगी? हाँ, अगर तुमने इस घर में कुछ किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। इससे पहले मैं तेरा गला फोड़ दूंगा। ठीक 12 बजे कल रात,
कल रात नवाब के घर 12 बजे मेरे तेरे समेत 8 ही डालबंदी होंगे। रानी सच्ची तैयार रखी, समझ गया? बिल्कुल समझ गया, मगर रानी राजी हो गई। लापरवाहियों का नतीजा है, हैं? मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जाओ अपना सामान तैयार करो, तुम्हें इसी वक्त जाना है। लेकिन जाना कहाँ है बजा? जाना कहाँ है? ये देखो, गांव वालों ने लगान देने से इनकार कर दिया, भला क्यों ना करें, खामा खा रुपया देना किसे अच्छा लगता। तुम्हें और शौकत को वो एक अदर ताली में बालगा क्या मिल गई है, बस तमाम काम धंधे बंद। अब जा रात को खतरा है, बड़ी होशियारी से पहरा देना। खतरा है? आप फिक्र मत करो, हम बिल्कुल चौकस रहेगा, अगर कोई इधर आएगा हम उसको गोली मार देगा। गोली? नहीं नहीं, गोली मत मारना। हम गोली नहीं मारेगा? ओके, हम जरूर गोली मारेगा। ये देखो 303 का। नहीं नहीं, उन्हें गोली मत मारना, गोली मत मारना, मुझे बता देना, पुलिस को बता देना, लेकिन गोली मत मारना, गोली मत। जुम्मन सामान रख दो गाड़ी में, अब मैं और छोटे नवाब पर जाने ही वाली। हजरत
अरे भी बात तो सुनो। ओए 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 कमाल है। अरे तुमने इतना बुरा मुंह क्यों बना रखा? अच्छा जी, तो हुजूर को पता चल गया कि खाकसर गांव जा रहा है। अरे इसमें मुंह खुलाने की कौन सी बात है, दो चार दिन तक वापस आ जाऊंगा। अरे अब तो हंस दो यार। बात क्या है जो? आखिर तुम बोलते क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कोई खबर सुनी है क्या? तुम उससे नाराज हो क्या? बोलो इतना तुम्हें क्या हो गया है? कोई बात नहीं शायद, तुम जाओ तुम्हें देर हो रही है। अगर कोई बात नहीं तो तुम रो क्यों रही हो? मैं रो थोड़ी रही हूँ, मैं तो अजरा अजरा खुदा के लिए मुझे बता दो तुम्हें क्या हो गया है। देखो अजरा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आखिर तुम मुझसे क्यों छुपाना चाहती? जवाब दो अजरा। मुझे अकेला छोड़ दो शायद, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो तुम नहीं बताओगी, इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं। अच्छा था, कोई समझ ना पाया।
न जाने कैसा सफर है मेरा, जहाँ है मंजिल वहीं लुटेरा, न जाने कैसा तेरी माँ चोरी करती है, तेरा बाप चोरी करता है, तेरा दादा चोरी करता है, तुझे भी करना होगा। नहीं, मैं भागी चोरी नहीं करूंगी। ठीक 12 बजे कल रात भूलियो मत। जल्दी करो, जल्दी करो, वक्त कम रह गया है। अरे रानी, अरे रानी तू, बाबू कहाँ है? कितनी बदल गई है तू, ये बता बाबू कहाँ है? वो तो गेना बाप, क्या तूने ही तो बुलाया था। नहीं नहीं नहीं, हम सब तैयार हैं, जैसे ही वापसी होगी स्कूल शुरू हो जाएगा, यही हुक्म है सरदार का। तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। घबराने की कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहता तो मेरी बजाय पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही होती, मगर मैं तो तुमसे चंद बातें करना चाहता हूं। इससे खतरा
लो मैं इसे रखे देता हूं। अब बैठ जाओ। तुम्हारा नाम गंगू है, गंगू डाकू? नहीं, गंगू सरदार। तो सरदार गंगू, मैं ये पूछ सकता हूँ कि आधी रात को तुम चोरों की तरह इस घर में क्यों आए हो? अगर तुम ये जानते हो कि मेरा नाम गंगू है, तो ये भी जानते हो कि रानी मेरी बेटी है और मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ। तुम्हारी भी? शायद तुम्हें गलत फहमी हुई। इस घर में गंगू चोर की कोई बेटी नहीं है। मगर मैं कल खुद रानी थी। मुझे मालूम है, लेकिन कल रात तुम जिस लड़की से मिले थे वो रानी नहीं, वो अजरा थी। ये लड़की अजरा बानो बेगम, गंगू चोर की बेटी रानी तो कभी की मर चुकी, उसकी जगह अब इस लड़की ने ले ली है, जो चोरी करने के बजाय चोरों को पुलिस के हवाले करना चाहती है। अब ये समझदार और शरीफ लड़की है। शरीफ? तुम भी तो शरीफ हो नवाब। बाप जेल चला जाए तो बेटी को उठा लाओ और फिर शरीफ के शरीफ। मुझे गलत समझने की कोशिश मत करो गंगू, मैं तुम्हारी बेटी की भलाई चाहता हूँ। अच्छा, इस भलाई के क्या दाम लगाओगे नवाब? क्या मतलब? दे भोले मत बनो नवाब। रानी को अपने घर फोकट ही में रखना चाहते हो? ये बताओ, 5,000 दे सकोगे रानी के? इतनी रकम निकालो तो लड़की तुम्हारी। बोलो, मंजूर है सौदा? नहीं नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ, लड़कियों का सौदा नहीं कर सकता। तुम्हारी शराफत गंगू डाकू की छाती चीर कर उसका कलेजा तो निकाल सकती है, लेकिन उसके दाम नहीं दे सकती। मैं रुपये लेकर आता हूँ, तुम यहीं जा रहा हूँ। ठहरो, नवाब हजमत अली खान इस बात की इजाजत तो दे सकता है कि तुम इस जमाने के झूठे फैशन के मुताबिक तारीम और तरबियत का ढोंग रचाकर अपना दिल खुश कर दे रहा हो जी, लेकिन इस बात की हरगिज इजाजत नहीं दे सकता कि तुम इस बर्दाश्त लड़कियों का सौदा करो। मगर भाई साहब, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम अभी पुलिस को टेलीफोन करो कि दलील कमीना बदमाश लगा। अब एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो अच्छा नहीं होगा जी। शोर मचाने की जरूरत नहीं है, याद रखो ये बदमाशों का अड्डा नहीं, नवाब हजमत अली खान की कोठी है। यहाँ तुम्हारी सब बदमाशी एक मिनट में निकाल दी जाएगी जी। धमकियां मत दो नवाब, हमको धमकियों में आने वाला नहीं है जी। कौन निकालता है? मैं अभी पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। मैं इस घर में चोरी नहीं होने दूंगी, लेकिन तुम नहीं माने। तुमने एक बेटी को मजबूर कर दिया कि वो फर्ज की खातिर अपने बाप के खिलाफ पिस्तौल उठाए। तुम समझते थे मैं बाप की मोहब्बत के सामने मजबूर हो जाऊंगी और तुम्हें इस घर में डाका डालने की इजाजत दे दूंगी। इस घर में जहां मैं एक बेसहारा भंजारन बनकर आई थी, जहां मुझे आसरा मिला, जहां मैंने पहली बार महसूस किया कि एक इंसान और हैवान में क्या फर्क होता है, जहां मैंने अब दौड़, तू और तेरा नवाब क्या करेगा? तूने हम पंचारों के खून में चैन मिला दिया, मैं तेरा खून भी एक तो बाबू मैडम कहा था लड़ना अच्छी बात रही, अच्छी बात नहीं है बाबू।
शुक्र है टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। अब क्या हाल है तुम्हारा? शायद बाबू वो मुझे सब कुछ पता लग गया है। मैं अपनी तरफ सहमी के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कैसी बातें करते हैं आप? नहीं लेटी रहो, तकल्लु की जरूरत नहीं। आप कैसी तबीयत? जेब अच्छी है। क्या मतलब? तुम क्या जानते हो उनकी तबीयत के बारे में? जी जी वो डॉक्टर कह रहा था जी। तो खुदा का शुक्र, लो ये फल खाओ। बापू का क्या हुआ आज? हाँ आज उसका फैसला था, उनको 6 साल की सजा हुई। बापू वैसे तुम फिक्र न करो, आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। माशाल्लाह बहुत ही सादतमंद है। क्यों शौक है? जी हाँ जी हाँ जी कुछ नहीं। माशाल्लाह बहुत ही शरीफ। मैंने कहा भाई साहब जी जरा इधर तो तशरीफ लाइए। हाँ 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 भाई मान लिया तुम 1 लाख रुपए की शर्त जीत गए। वो तो दुरुस्त है भाई साहब, मगर जरा मेरी बात तो सुनिए। अगर मैं अपनी बेटी को आपकी बहू बनाना हूँ तो आपका क्या ख्याल जी? क्या मतलब आपकी बेटी? हाँ हाँ अच्छा अजरा भाई वो तो मेरी भी बेटी है, मुझे क्या इतराज हो सकता है? आपको तो कोई इतराज नहीं? कहीं दिल पे न जादू कर जाए ये मेहरबानी। अरे तौबा तेरी काली काली जुल्फों की, तेरी काली काली जुल्फों की ये छेड़खानी। अरे तौबा कहीं दिल पे न जादू कर जाए।